हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सूजी से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले, मेजरमेंट उसी से ले। मैंने 1.5 कप सूजी लिया है। आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी से नाश्ता बना सकते हैं। 3/4 कप ताज़ा दही लिया है, या फिर आप छाछ से भी ये नाश्ता बना सकते हैं। दोनों चीजों को मिक्स करके साइड में रखेंगे। 2 कच्चे आलू लिए और इसे छोटे टुकड़ों में काट करके ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल फाइन सा प्यूरी बना करके तैयार कर लेना है। आलू के एक भी चंक्स नहीं होने चाहिए। देखिए कितना फाइन पीस करके हमने तैयार किया है ना। ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी डाल देंगे ताकि आलू की प्यूरी हमारी वेस्ट ना हो। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करे, चलिए हम अपने नाश्ते को स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। आपके पास अगर इस तरह का प्लेट हो तो उसे ग्रीस कर लीजिएगा, या फिर कोई भी टिफिन में भी या फिर केक मोड में भी ना ये नाश्ता आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टिफिन ले लिया और इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि नाश्ता हमारा चिपके नहीं। 10 मिनट के बाद देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, तो हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है नाश्ता। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। आधी छोटी चम्मच में बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप चाहो तो 1 छोटा चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। 2 छोटी चम्मच पानी डालेंगे ताकि हमारा बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और सभी चीजों को धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारा नाश्ता ना बहुत ही ज्यादा फुला फुला बन करके तैयार होगा। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे सेम टाइम अपने ग्रीस किए हुए बर्तन में डालेंगे। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराएंगे। जब मैं बैटर को डाल रही हूँ तो आप देख ही रहे हैं कि बैटर हमारा कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही बैटर बनाए। और 2 से 3 बार हम इसे टैप टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हो ना वो सारे निकल गए हो। एक कढ़ाई में हमने 2 गिलास पानी डाल करके एक स्टैंड डाल के रखा है। आपके पास अगर स्टैंड नहीं तो आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर प्लेट सेट कर दे और उसके ऊपर ही अपने नाश्ते को रख दे। इस तरह से सेट करके हम इसे ढक करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इतने में ही हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अब जिस भी प्लेट से इस नाश्ते को ढकेंगे ना उसे कॉटन के कपड़े से कवर कर दे। इससे नाश्ते के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा और हमारा नाश्ता बिल्कुल भी गीला गीला नहीं बनेगा, एकदम ड्राई ड्राई बनकर के तैयार होगा। 12 मिनट हो गया तो मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। इट मीन्स हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है, बेक हो गया है। तो अब हम इसे उतार देंगे और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। नाश्ता बिल्कुल ठंडा हो गया है तो एक नाइफ से हम इसके चारों तरफ एजेस पे घुमा देंगे। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता डीमोल्ड हो जाता है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से तेल से ग्रीस किया था। और देखिए कितना फ्लफी और कितना फुला फुला नाश्ता बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। कितने अच्छे से ना इसमें जाली भी आपको दिख रही होगी। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट करके तैयार करूंगी। आप चाहो तो इसे हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे और भी ज्यादा चटपटा बनाऊंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें सेब दे सकते हो। मैं इसे रफली ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ना। अब तड़का लगाने के लिए हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों दाना, 2 बड़ी चम्मच सेसमी सीड यानी कि सफेद तिल डालेंगे। इससे नाश्ता बहुत ही क्रंची लगेगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी लीव्स डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इससे नाश्ता बहुत ही ज्यादा चटपटा हो जाएगा। आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकती हो अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो। आधी छोटी चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा लेकिन नाश्ता हमारा ज्यादा तीखा नहीं होगा। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर डालना। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके मसाले को 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम अपने नाश्ते को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज्यादा चटपटा सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। गर्मा गर्म आप इसे अपनी पसंद की चटनी या टोमेटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही मजेदार लगती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्ती डालेंगे खूब सारा और इसे भी मिक्स कर देंगे।
10 मिनट में ये नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर सुबह शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो ये झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है। खाने में तो बहुत ही मजेदार लगती है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।